हे गाइस, मैं हूं अभिषेक और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एंड्रॉयड टेक अभिषेक पे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने कीपैड पे अपना वॉलपेपर कैसे सेट कर सकते हो, अपना फ़ोटो कैसे सेट कर सकते हो। तो आज मैं आपको दो तरीका बताने वाला हूं, आपको जो अच्छा लगे आप उससे यूज़ करें। तो डियर, आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सको। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। बिना टाइम को गवाए हुए चलिए शुरू करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मैं अपने फ़ोन के डिस्प्ले पे हूँ, आप देख पा रहे हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सेटिंग्स पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग के सामने ये सेटिंग्स पे क्लिक कर रहा हूँ, ये सेटिंग्स पे क्लिक किया और उसके बाद आपको चले जाना है एडिशनल सेटिंग में। ये आप देख पा रहे हो एडिशनल सेटिंग, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको ये जो दो नंबर पे है आपको दिख रहा है लैंग्वेज एंड इनपुट, इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक किए, उसके बाद फिर आपको क्लिक करना है जी बोर्ड पर, ये आप देख पा रहे हो जी बोर्ड, इस पर क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो दिख रहा है ये थीम्स, ये थीम, इस पर क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक कर लेना है आपको। उसके बाद ये प्लस का साइन है, आप देख पा रहे हो ये प्लस का साइन, ये प्लस का साइन, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपकी सीधी गैलरी खुल जाएगी, आपको जो भी एक फ़ोटो सेट करना है उसे आप चूज़ कर लेना है। चलो मान लो मुझे ये फ़ोटो सेट करना है, तो इस पर मैंने क्लिक कर लिया। उसके बाद फिर आपको एडजस्ट करना है कि आप फ़ोटो को कैसे सेट करना चाहते हो, ऐसे सेट करना चाहते हो या ऐसे सेट करना चाहते हो। तो मैं इसे ऐसे कर लेता हूँ और उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है यहाँ पे। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास ब्राइटनेस ऑप्शन आएगा कि आप इसको 40% रखना चाहते हो या 100%। तो मैंने इसे 100% कर लिया है। उसके बाद आपको सिंपली डन कर देना है और उसके बाद आपको पूछेगा कि आप क्या कीवर्ड चाहते हो, आप ऐसे चाहते हो या ऐसे चाहते हो। तो अगर आपको कीवर्ड ऑन करना होगा तो आप ऑन कर लीजिएगा, बट मैं अभी कीवर्ड को ऑफ़ कर रखा हूँ, ठीक है। तो आपको सिंपली अप्लाई कर देना है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा ये कीवर्ड अप्लाई हुआ है या नहीं। तो मैं अपने मैसेज में जाता हूँ और कोई एक मैसेज टाइप करता हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हो ये मेरा अब ऑन हो चुका है, ठीक है। आप ये देख पा रहे हो ये यहाँ पे ऑन हो चुका है। तो अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ कि मैंने कहा था वीडियो में कि आपको मैं दो तरीका बताऊँगा, तो चलिए दूसरा तरीका हम देखते हैं, वो और बहुत आसान है। तो उसके बाद आपको ये यहाँ पे इस पर क्लिक कर लेना है, ये जो आप ये गूगल है ना, गूगल की साइन, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। आपको मैं फिर से दिखा दूँ कि आपको इस गूगल के साइन पर क्लिक करना है, ये गूगल के साइन पर क्लिक करना है। तो चलिए उस पर हमने क्लिक कर लिया साइन पर। तो क्लिक करने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है, इस पर, ये जो आप थीम्स दिख रहे हो इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो आपको फिर से बता दूँ कि आपको गूगल पे क्लिक करना है, गूगल के बाद इसको आपको थीम्स पे क्लिक करना है, ये जो आप देख पा रहे हो ये, इस पर क्लिक करना है। तो इस पर मैंने क्लिक किया। तो फ्रेंड्स, फिर से वहीं पे हम आ गए हैं जहाँ पे हम पहले सेट किए थे। तो अब कोई एक सेट कर लेते हैं, फिर से ऐड पे जाना है आपको और आपको जो भी फ़ोटो सेट करना है आप सेम तरीके से यहाँ पे भी फ़ोटो को सेट कर सकते हो। तो यही मैंने आपको आज दो तरीका बताया कि आप कैसे अपने फ़ोन के कीबोर्ड पे अपना वॉलपेपर सेट कर सकते हो। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे आप कमेंट कीजिएगा, और अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो उस लाल कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आप हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सको। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।